अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस वेलकम टू अहमद फूडीज। तो गाइस आज मैं आपको लेकर आया हूँ मदीना के स्पेशल छोले भटूरे खिलाने के लिए। तो चले आए गाइस जिनके ऑनर से बात करते हैं और अपने लिए एक अच्छे से छोले भटूरे लगवाते हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ही फेमस है। गाइस ये देखें इनके स्पेशल बने हुए खोए वाले चने हैं। ये देखें जी, ये आ गया हमारा हलीम, स्पेशल हलीम इनका दालों का बना हुआ होता है। देखें एकदम भर के बनाया हुआ है इन्होंने। ये आ गए इनके इनके पाए, आ गए स्पेशल पाए बने हुए इनके, बहुत ही फेमस है यहाँ के हर चीज में यार के देख सकते हैं। एकदम मलाई मार के बनाया हुआ इन्होंने, एकदम अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये इनका बना कढ़ी पकौड़ा, ये देख सकते हैं एकदम अच्छे से पकौड़ा बनाया इन्होंने, बहुत ही फेमस है यहाँ का कढ़ी पकौड़ा। देख सकते हैं एकदम भर के बनाया हुआ है यहाँ के ने, बहुत फेमस है यहाँ के मसाला मार के बनाया हुआ इन्होंने। इनके बने हुए स्पेशल पुलाव देख सकते हैं, एकदम बड़ा बड़ा चावल है इनके, बहुत ही फेमस है, एकदम मिसालेदार बना हुआ है यहाँ के चावल, बहुत ही फेमस है यहाँ के। ये बन रहा है इनका स्पेशल कुलचा, ये देख सकते हैं ये एकदम ऊपर आयल डाल रहे हैं और ये देखें ये बन गया इनके कुलचे, लग रहे हैं बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। ये इनका बना स्पेशल हलवा, खोए वाला इनको कहते हैं हलवा, यहाँ बना होता है, बहुत ही फेमस है यहाँ के, कस्टमर बहुत ही इनको पसंद करते हैं इनके हलवे को, बादाम वगैरह डाले हुए इनको, ये देख सकते हैं गाइस बहुत अच्छा है, मलाई मार के बनाए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर आपका नेम क्या? जी मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद सर कब से शॉप चला रहे हैं यहाँ पे? ये हमारे नेक चला रहे हैं कम से कम 17 साल। 17 साल हो गए आपको सर, बहुत ही फेमस है आपकी यहाँ पे शॉप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या चीज़ मिलती है यहाँ पे सर? हमारे पास चने हैं, हलीम है, कोफ्ता है, कोरमा पाए हैं, कड़ी पकौड़ा है, चोल है, डिफरेंट आइटम्स होती है आपके पास? डिफरेंट आइटम्स होती है आपके पास? सब सारी डिस्ट्रीब्यूट है। तो सर यहाँ पे एक चने की प्लेट और जो नान वगैरह क्या प्राइस रही थी? चने फुल प्लेट हम 100 रुपये के देते हैं, आप उसमें प्याज की होती है, खाने वाला हो तो 30 के भी मिल जाते हैं, 20 के भी मिल जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मुनासिब कीमत आप कर देते हैं हर किसी के लिहाज से? हर किसी के लिहाज से। सर यहाँ की लोकेशन क्या है? लोकेशन है हमारा नेशनल बैंक, नेशनल बैंक उसके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने शहर का मार्केट में, शहर का मार्केट में पाकपतन में, पाकपतन काली रोड, काली रोड मशहूर है, काले रोड यहाँ पे फेमस है, यहाँ पे वहाँ पे आके। तो सर ये हफ्ते में आधे ओपन होती है? जी हफ्ते में पूरे में आर्डर, पूरे पूरे हफ्ते में, इसमें रेगुलर कोई छुट्टी वगैरह नहीं है। शाम को बारबेक्यू का हमारा निजाम, शाम को बारबेक्यू भी होता है, मछली भी होती है, बारबेक्यू होता है, चिकन पकौड़ा भी होता है हमारे, चिकन पकौड़ा भी होता है, डिफरेंट आइटम हर तरह की, स्ट्रीट फूड की हर तरह के लिहाज से आपके पास होती है। तो सर बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आज यहाँ का ओपिनियन ले लेते हैं भाई, कैसे आना हुआ यहाँ पे? जी हम हर संडे यहाँ पे आते हैं नाश्ता करने, नाश्ता करने के लिए आते हैं। जी जी अक्सर यहाँ पे मैच खेल के आते हैं, तो इनका जो सबसे अच्छा है वो हलीम इनका बहुत अच्छा है, हलीम इनका बहुत अच्छा है। हाँ जी, बाकी चने भी इनका टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन हम ज़्यादा यहाँ पे हलीम खाते हैं, हलीम का इस्तेमाल भी करते हैं। और सर्दियों में इनकी फ़िश बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में फ़िश बहुत अच्छी। जी जी, तो आपका मतलब संडे के संडे यहाँ पे गुजर होती है? हर संडे हम इधर ही आते हैं, चाहे मैच हारे या जीते, लेकिन हमने नाश्ते घर से करना, नाश्ता है। जी जी सर, करना जी जी, तो काफ़ी मतलब कि यहाँ पर आपको पसीना आया हुआ तो खेल, बस वो गर्मी है ना इसलिए फिर खेल के यहाँ पे आए। कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? हमें तकरीबन यहाँ पे 6-7 साल हो गए आते हुए, 6-7 साल हो गए। और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी अच्छा है, यहाँ की सफाई भी अच्छी होती है, सारा कुछ बड़ा इजी माहौल है। जी बहुत भाई, ये देख सकते हैं हमारे लिए हलवा लग गया, ये देखें ये बहुत ही इनका फेमस हलवा यहाँ पे। ये आगे इनके चने देखें, एकदम अच्छी से यहाँ की स्मेल आ रही है, ये देखो एकदम मिसाला मार के इन्होंने चने लगा दिए हमारे लिए। ये आगे इनका लीम, ये देख सकते हैं इनका मुख्तलिफ दालों का बना हुआ लीम है, मुख्तलिफ मिसाले इन्होंने डाली हैं। ये देख सकते हैं ऊपर हरे या हरी मिर्च आ गई है और ऊपर प्याज से आ गए। ये आगे इनके चिकन कोरमा, गाइस देख सकते हैं यहाँ के एकदम मलाई मार के इन्होंने कोरमा बनाया हुआ है। तो ये देखें इतना बड़ा आपको पाया मिल रहा है, ये देखें यार कितना मज़े का लग रहा है यहाँ पर। तो ये देखें ये आगे इनके कुलचे, ये आगे इनके नान देख सकते हैं, ये इतना खस्ता इनको माल नान बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये आगे इनकी पूरी एकदम अच्छी सी बनी है, पूरी यहाँ पे बहुत ही फेमस है यहाँ की, एकदम इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस सबसे पहले इनका चेक कर लेते हैं, इनकी पूरी और हलवा और चने,
ये सबसे पहले इनको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पूरी और हलवा और चने बहुत ही आला किस्म के बने हुए हैं, एकदम अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। चले आए गाइस इनके हलीम और इनका कोरमा टेस्ट करके देखते हैं। गाइस इनका हलीम बहुत ही आला है, एकदम अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें, एकदम चटपटा सा हो गया हलीम का टेस्ट बहुत ही आला है। तो गाइस अब टेस्ट कर लेते हैं इनका कोरमा, कोरमा कैसा बना है इनका। तो गाइस इनका कोरमा बहुत ही आला है, ये जैसे देख ग्रेवी जैसे देख इनकी ग्रेवी कितनी आले किस्म की बनी आई है, ये जैसे देख एकदम अच्छा सा बना हुआ इनका कोरमा। ये तो गाइस मज़ा आ गया आई थिंक। तो गाइस इनका नाश्ता बहुत ही अलग किस्म का है, डिफरेंट किस्म के आइटम होते हैं इनके पास, प्राइस इनकी बहुत ही मुनासिब होती है इनकी। अगर आप पाक पता विजिट कर रहे हैं तो इनका एक बार नाश्ता जरूर चेक करेंगे, बहुत डिफरेंट आइटम्स होती हैं इनके पास, छोले भटूरे होते हैं, पाए होते हैं, हर किस्म की आइटम इनके पास होती है, बारबेक्यू वगैरह भी इनके पास होते हैं। तो गाइस अहमद फूडीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।